सभी साथियों को जय किसान, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं संत श्री आसाराम बापूजी गौशाला लुधियाना के अंदर। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका आगमन कहां से हुआ है? सर, हम पहुंचे हैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ की तहसील पड़ती है भादरा, और एक छोटा सा गाँव है गोगामेडी के पास। यहाँ के बारे में कैसे जानकारी हुई? सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था रामू का, जिसमें वो अपने आप बैलगाड़ी जोड़ करके पूरे गौशाला के अंदर फीड सप्लीमेंट जो भी है, हरा चारा वगैरह, वो सप्लाई कर रहा है। तो वो काफ़ी अच्छा लगा हमें, उसको देखकर ही हमें लगा कि जब भी लुधियाना साइड जाना होगा तो हम भी इसको जरूर कवर करेंगे। तो अभी तो आपने रामू जी के दर्शन अभी बाकी हैं, पर गौशाला भ्रमण हुआ आपका कि नहीं हुआ? बिल्कुल, गौशाला में हमने देखा है, बहुत अच्छे ढंग से मैनेजमेंट आपने कर रखा है और बहुत ही अच्छा सेवा भाव से आप गौशाला के अंदर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के नाम से जो चैनल है जी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप बहुत जगह जाते होंगे, अदर दूसरी गौशालाएं भी जाती होंगे, खेती कृषि से संबंधित बहुत सारी चीजें अपलोड करते हैं आप, तो उस माध्यम से अगर देखा जाए तो दूसरी गौशालाओं में और यहाँ की गौशालाओं में क्या फर्क लगा? सर देखिए, मेनली तो फर्क यही है, गौशालाएं तो बहुत सारी होती है। कुछ एक गौशालाएं हमें पीछे, जैसे आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा था कि जो मृत गौशालाएं उनको वहीं पे काटा वाटा भी जा रहा है, उनकी चमड़ी अलग निकाली जा रही है। तो वो चीज ये है कि ये गौशाला के नाम पे ये कह सकते हैं खाना पूर्ति या अपना व्यापार चलाया जा रहा है। और एक ऐसी आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, जितनी भी जो गायें हैं और देसी गायें हैं, इनको देख के ये लगता है कि वास्तव में कोई सेवा हुई है। बहुत अच्छी आपकी जो गौशाला का सेवा भाव है और सेवा है, और बहुत अच्छा लगा हमें देखकर। तो सोशल मीडिया से जैसे भाई साहब ने बताया, हमने देखा, मेरे YouTube चैनल का नाम SPS फार्मिंग है और मैं सिरसा हरियाणा से यहाँ पहुँचा हूँ, भाई साहब के साथ ही यहाँ हम आए थे। तो आप सिरसा हरियाणा से? सिरसा हरियाणा से, मैं राजस्थान से जी, हनुमानगढ़। हम आगे चलते चलते हैं हाँ जी, और आप रामू के दर्शन कराते हैं जी, और हम उनको बहुत सारे यूट्यूबर वालों ने तो आते रहते हैं यहाँ पर, तो दिल्ली से भी आते हैं और कहीं कहीं से बहुत सारे, पर जितना हो सकता है हम सपोर्ट सहयोग करने के लिए कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चोट लग गई थी, क्योंकि शरारती भी जो ज्यादा लाडला हो जाता तो शरारती। सभी साथियों को जय किसान, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं संत श्री आसाराम बापूजी गौशाला लुधियाना के अंदर, और यहाँ पे आपको एक बैल खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, पिछले दिनों से काफी वायरल बैल कहा जा सकता है, यूं कहें कि पूरे भारत के अंदर इस बैल ने सनसनी मचा रखी है। सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम या यूट्यूब, हर जगह इस बैल की वीडियो काफी ट्रेंडिंग में है। सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बता दूं, रामू बैल के नाम से इसकी वीडियो चल रही है। इसका क्यों वायरल हुआ वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस बैल की खासियत ये है कि ये सुबह सुबह उठने के बाद खुद अपने आप गाड़ी जोड़ लेता है, उसके बाद पूरी गौशाला के अंदर अपने आप बिना किसी ड्राइवर के, यानी इसको ड्राइवर की जरूरत नहीं है, चलाने वाले किसी सहायक की जरूरत नहीं है, अपने आप गाड़ी जोड़ेगा। उसके बाद गौशाला के अंदर जितने भी सेट बने हुए हैं अलग अलग, उन सभी में फीड हो, चाहे अपने तूड़ी भूसा जो अपने पशुओं को जरूरत रहती है, वो सारी चीजें सीरियल वाइज सप्लाई करता है। और वीडियो वायरल हुई कि वो नजर में आई आनंद महिंद्रा जी के, उन्होंने भी ट्वीट किया इस बात को, उन्होंने बहुत अच्छा लगा कि अगर ये बैल बोल सकता तो अपने देशवासियों को बताता कि माता क्या होती है, या फिर जो आज के टाइम में अपने ये कहते हैं ना कि दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो उन चीजों में अगर ये बोल पाता तो सभी को बता पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ और दूसरों को इससे क्या कुछ सीख लेनी चाहिए। तो आज हमारे साथ जो संत जी हैं, इन्हीं से जानेंगे कि क्यों ये बैल इतना प्रसिद्ध हुआ, क्या कुछ ये करता है, इनकी दैनिक दिनचर्या क्या कुछ है। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दो अपना, अपने जो दर्शक हैं। हम अभी भाई लोग जो आए हैं संत श्री आसाराम जी गौशाला लुधियाना में आए हुए हैं, और हम गौशाला परिवार इनका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, और बहुत सारे YouTube चैनल वाले, और हालांकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अभी तक नहीं आ पाई, पर बहुत सारे YouTube चैनल आज अगर गिनते गिनते भी देखा जाए तो ना करते भी कम से कम 25 YouTube चैनल वाले आ चुके हैं, जो अपने अपने YouTube चैनल के द्वारा रामू नंदी जी की प्रशंसा खुले मुख से करते आ रहे हैं जी। तो आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, बहुत खुशी की बात है, हम आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं तो सब कोई बोलते हैं जानवर बोलते हैं, कोई बैल बोलते हैं, पर हम ये बैल शब्द मुझे हमें अच्छा नहीं लगता, जो हमारे गोपालक हैं, हमारे साथी लोग हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता, वो डायरेक्ट नंदी बोलते हैं और उनका नाम अलग अलग है, जैसे इनका नाम रामू हमने रखा है, तो ऐसा अलग अलग करके हैं, और आप आए हैं, स्वागत है जी। सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, आपकी गौशाला के अंदर करीबन 400-500 पशु होंगे,
या जो गौ माता आपने रखी हुई है या नंदी आपने रखे हुए हैं, उनमें से सबसे लाडला आपका यही है, इसका क्या रीजन है? रीजन सबसे लाडला नहीं, लाडला सभी है। लाडला कुछ नहीं, नहीं सब... ये एक मतलब एक्स्ट्रा सभी का ध्यान इसकी तरफ रहता है, कुछ तो भाई कुछ इसमें खास है तभी तो इतना अलग बना। कुछ विशेष गुण होते हैं ना, उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि लाडला है, पर लाडला तो सभी आती है, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने माइंड को विकसित किया है जी। और बाकी के सभी लाडले हैं, हमारे गौ माता है जितना गोवंश है तो बहुत अच्छा है, और ये फेमस हो गए इस कारण से आपको लाडले लग रहे हैं। बाकी का हमारे YouTube चैनल के द्वारा, हमारा YouTube चैनल है बापूजी गौशाला लुधियाना के नाम से, उस YouTube चैनल में आप अलग अलग, अभी एक छोटी बछड़ी का भी वीडियो उसमें हमने डाला है, वो बछड़ी ऐसी है कि हमारे जो भाई हैं तो उनके साथ ही चलते फिरते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ ही खाते पीते हैं, भोजन रसोई करने जाएंगे तो रसोई में भोजन करेंगे, तो वो वीडियो भी हमारे YouTube चैनल से भी देख सकते हो। आप हमारे यहाँ सप्त गौ मंदिर है तो वहाँ पर जाओगे तो आप अगर गाय माता को सहलाओगे नहीं तो वो आपको मारेंगी कि हमको सहला क्यों नहीं रहे हो, या दूसरी भी बहुत चहेते हैं आपको। आप थोड़ी गौशाला और अच्छे से एक बार हम आपको दिखा देंगे, आपने देख लिया है फिर भी ठीक है। सर इसकी जो दिनचर्या है, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ आए हम तो आपने इसका इंट्रोडक्शन करवाया कि ये सुबह इतने टाइम पे उठ जाता है, उसके बाद अपने आप गाड़ी जोत करके, और टाइम का इतना पाबंद है कि सही टाइम पे चाहे हमारे आदमी ना पहुंचे लेकिन ये पहुंचता है, तो वो और थोड़ा सा डिस्क्राइब करें आप। हाँ, ये जैसे टाइम का बहुत पाबंद है, जैसे इनकी दिनचर्या ठंड के मौसम में भी 4 बजे से सुबह चालू होती है। अब 400 गायों के लिए सब कुछ पहुंचाना, सब कुछ करना तो थोड़ी एक के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास हैं अलग अलग प्रकार, पर अभी जैसे हमारे रामू जी है तो हम ज़्यादातर अधिकतम इसी का इन्हीं का उपयोग लेते हैं, इसी का उपयोग करते हैं क्योंकि इसको आसान रहता उनको। ठीक है, आजकल वो भी चाहते आसान रहता है क्योंकि जल्दी जाता है, काम तेजी से करता है और स्वयं करता है, सबसे बड़ी बात है स्वयं करता है, दूसरों को इनके पीछे लगना नहीं पड़ता। तो क्या होता है कि सुबह 4 बजे जाता है तो सबसे पहले गोबर उठाने का काम है, तो जो गोबर समेट रहे होते हैं तो वहां पर पहुंच जाएगा गाड़ी लेकर के, तो लोग गोबर भर देंगे, उधर दूसरी तरफ लड़के रहेंगे खाली करने वाले तो उधर गाड़ी खाली कर देंगे, तब तक में फिर दोबारा राउंड मारेगा सूखा चारा उठाने के लिए, सूखा चारा भरने वाले जो भर रहे होते हैं वो लोग सूखा चारा लोड कर देते हैं गाड़ी में, तो ये पहुंच जाता खुलियों के पास, तो अलग अलग बाड़े वाले जो होते हैं तो खाली कर देते हैं, ऐसा फिर इसकी दिनचर्या है। मतलब एक चीज इसमें बहुत बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है कि हम लोग समय में पाबंद नहीं हो सकते पर यह समय का पाबंद है, हम लोग डिले हो सकते हैं पर यह डिले नहीं होता, अपने समय निर्धारित समय पर यह पहुंच जाएगा, अगर हम लोग नहीं पहुंच पाते तो वो वहीं पर इंतजार करेगा। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि ठंड है, हम लोग सिकुड़ जाते हैं कि यार थोड़े 10 मिनट और रुकते हैं, थोड़ी ठंड कम हो जाएगी फिर बाद में कमरे से बाहर निकलेंगे, पर यह जहां से इसकी सेवा प्रवृत्ति चालू होगी वहां पर पहुंच करके वहां पर आराम करेगा कि हमारे दो आएंगे तो वो फिर बाद में जैसा भी है जी। सर एक और चीज़ मैं थोड़ी सी जानना चाहूँगा, अक्सर इस तरीके के काम जैसे आजकल लोग में ट्रेंड चला हुआ है कि जैसे कुत्ते पाल लिए तो उनको ट्रेंड किया जाता है इस तरीके से कि रामू ये उठा ये कर, इसको भी आपने कुछ ऐसे ट्रेनिंग दिया या ऑटोमेटिकली प्रकृति की देन है कि ये सारे काम खुद संभालता है? स्वामी विवेकानंद जी बोला करते थे कि जो जितने यहाँ पर कुत्ते पालने के शौकीन हैं वो अगर गाय माता पालना चालू कर दें तो भारत में कत्ल खाने बंद हो जाएंगे, गाय की जो दुर्दशा है आज के टाइम वो नहीं रहेगी, विवेकानंद जी कहा करते थे, और यही हमारे गुरुदेव पूज्य बापू जी का लक्ष्य है कि गाय माता हमारे देश में संरक्षित होनी चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, और अलग अलग जगह पर 42 गौशालाएं बापू जी ने चालू की बड़ी बड़ी, और हर 450 आश्रमों में हमारे सभी जगह गौशालाएं हैं छोटी छोटी, पर बड़ी बड़ी गौशालाएं 42 गौशालाएं, जैसे आपको ये इतनी बड़ी गौशाला दिखी है, हमारी सबसे बड़ी गौशाला राजस्थान में पड़ती है निवाई, जो वहां पर 1500 गाय हैं। सब प्रेम के कारण होता है, हमने कोई सिखाया नहीं, प्रारंभ में अनुशासन की जरूरत होती है, जैसे बच्चे को हम पढ़ाई लिखाई के लिए थोड़ी सी अनुशासित करते हैं तो प्रारंभ में अनुशासित हो जाता है, फिर उसके बाद जो ही अनुशासन के साथ साथ प्रेम भी मिलता है तभी वो बच्चा पढ़ाई में आगे जाता है, तो अनुशासन किया गया, प्रेम भी दिया गया, तो इतना लाडला हो गया कि अगर मेमोरी भी देखी जाए, बुद्धिमत्ता भी देखी जाए तो बहुत गजब की है कि सबको यहाँ पर अगर 50 लोग बैठे हैं और गाड़ी छोड़ दिया जाए तो 50 लोगों के बीच में से किनारे कैसे कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है, वो निकाल ले जाएगा गाड़ी, किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, तो ये इसकी जो मेमोरी पावर जो डेवलपमेंट हुई है, तो इस विषय पे मुझे सबको विचार करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी
इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसे ऐसे नंदी तैयार हो रहे हैं। अब हमारी जो गौशाला फैली हुई है 400 गाय हैं और हमारे पास इस समय जमीन पौने चार एकड़ जमीन है। पौने चार एकड़ जमीन में हम 400 गायों की सेवा कर रहे हैं और फिर भी आपको लग रहा होगा कि कितना मैनेजमेंट कर रहे हैं, कितने व्यवस्थित साफ सफाई, कैसा पवित्रता और हरा चारा की पूर्ण व्यवस्था सब कुछ होते हुए कैसा आप देखने को आपको मिला। तो किसान भाइयों, उम्मीद करेंगे आपको एक बहुत ही अच्छी वीडियो देखने को मिली होगी और जो चीजें हमें आपको दिखाई वो वास्तव में यहाँ पे है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम मतलब दांत हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर, यहाँ हमने आकर के देखा है कि जो चीज हमें पहले सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिली क्या वो एक्चुअल में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर आकर के हमें वास्तव में तसल्ली मिली है कि जिस तरीके से गौ सेवा भाव से यहाँ पे काम हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और दोस्तों जाने से पहले हमारे चैनल को भी फॉलो जरूर करें। सर, धन्यवाद।